आप सभी को जय मसीह की। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारी एक और नई वीडियो में। आइए आज हम द्वितीय वचन अध्याय 23 से कुछ नया सीखेंगे। जब आप बड़े बच्चों के साथ खेलते हैं तो ध्यान रखें, वह आपके साथ कोई चालाकी कर सकते हैं। अगर आप ना नहीं कर सकते तो उनसे दूर रहना ही अच्छा है, क्योंकि वह आपसे ऐसे काम करवा सकते हैं जिससे आप मुसीबत में पड़ जाएं। कुछ लोग अमीर होने के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग जानते हैं कि कब रुकना है। पैसा आता और चला जाता है, ऐसा लगता है जैसे उसके पंख लगे हों और वह आसमान में उड़ जाता है। कंजूस बच्चों से दूर रहें और उनके जैसे व्यक्ति जीने में इच्छा ना करें। बुरे बच्चे जैसे बुरा सोचते हैं तो वैसे ही आप होते हैं। वह आपसे कहेंगे कि मेरे साथ आओ और हम मज़ा करेंगे, लेकिन दरअसल आपके दिल में वह आपको पसंद भी नहीं करते। अगर आप उनके साथ जाएंगे तो अंत में आपको नुकसान ही होगा। मूर्ख अच्छी सलाह को वचनों को नहीं सुनता। अपने मम्मी पापा जिस जगह जाने को रोकते हैं वहाँ जमत जाएं। आपको कोई देख लेगा और आपको मुसीबत में पड़ जाएंगे। सीखने के लिए आज जो कुछ कर सकते हैं करें, और जब शिक्षक सिखाते हैं उस समय सुने। बच्चों को सुधारने की जरूरत पड़ती है। कभी कभी यह अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसका दुख हमेशा नहीं होता। जब मम्मी पापा बच्चों को अनुशासित करते हैं तो वह उन्हें नाश होने से बचा लेते हैं। हाँ, जब उनके बच्चे बहुत फैसले लेते हैं तो उन्हें बहुत खुश होता है। बुरे बच्चों के खिलाफ ना हो, उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर उन्हें सुधार दे। इन वचनों को सुने तो आप बुद्धिमान हो जाएंगे और वह आपके जीवन को सही रास्ते पर चलाएंगे। मतलबी बच्चों से दूर दोस्त ना बने, क्योंकि मतलबी बच्चे आपको मुसीबत में डाल देंगे और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप मदद के लिए पुकारेंगे, लेकिन आपकी सुनने वाला कोई नहीं होगा। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मे गॉड ब्लेस यू।